हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, है ना। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको बता रही हूँ। जैसे साइन थीटा जो होता है, किसके इक्वल होता है, 1/cosec थीटा के इक्वल होता है ना। यानी कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा होता है उसका। और कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/sec थीटा के इक्वल। टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/cot थीटा के इक्वल, ठीक है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, डिवीजन होता है। यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा जो होता है वो 1/cot भी होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल भी होता है, ठीक है। साइन थीटा 1/cosec थीटा है और कॉसैक थीटा जो है 1/sin थीटा। यानी कि ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे कॉस थीटा जो है 1/sec थीटा है, तो सेक थीटा जो है वो क्या है, 1/cos थीटा। टेन थीटा जो है 1/cot है, तो कॉट जो है वो क्या है, 1/tan थीटा है। और क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन थीटा का और रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है, तो अगर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यानी कि ये तीन हमें याद रहेंगे तो ये तीन हम अपने आप ही कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। देखो, मेनली तीन आइडेंटिटीज़ होती है और इन्हीं से हम आगे वाले फॉर्मूलेज बना सकते हैं। जैसे पहली है, आपको दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मान लो मुझे यहाँ ही से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। मान लो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर मुझे ये देखना है तो यहाँ पे देखो 1 है और कॉस, मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो कॉस स्क्वायर यहाँ से प्लस से यहाँ कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा, 1-cos² θ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1-cos² चाहिए मुझे, तो साइन स्क्वायर प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर साइन स्क्वायर की निकालनी है तो 1-cos² हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर की निकालनी है तो 1-sin² हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, 1+tan² θ इज इक्वल्स टू sec² θ। अगर मान लो मुझे टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस है, प्लस का 1 है वो यहाँ आ जाएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का 1। तो यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 इधर ही रहेगा, है ना, sec स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर जो है प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है इतना। अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी, 1+cot² θ इज इक्वल्स टू cosec² θ। इसी की तरह अगर मैं इसमें कहूँ cot स्क्वायर का निकालना है तो यहाँ आ जाएगा cosec² θ माइनस 1, 1+ का है और यहाँ चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 = cosec² θ, और cot यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि cosec² θ माइनस cot² θ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बाकी हम दोनों इसी से बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, 1+tan² θ इज इक्वल्स टू sec² θ, बाकी ये दो इसी से बन जाएंगी। फिर थर्ड है, 1+cot² θ इज इक्वल्स टू cosec² θ, और ये बाकी दो इसी से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इजीली याद रहती है। यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, 1+tan² θ = sec² θ, यानी कि s t, और यहाँ पर क्या है, c c,
ठीक है, एस टी और यहाँ पर क्या है सी और सी, ठीक है। तो ये तो थी तीन आइडेंटिटीज। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक थीटा, ठीक है। यानी कि आपको जितने भी रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन सबको सेक थीटा के फॉर्म में निकालना है ना। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले जैसे साइन थीटा को मुझे किस में निकालना है, साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को, कॉट थीटा को, सबको मुझे किसकी फॉर्म में निकालना है, सबका आंसर किस में निकालना है, सेक थीटा के फॉर्म में ही निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं साइन का निकाल रही हूँ, तो साइन का निकालने के लिए मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं कुछ आइडेंटिटीज़ इससे पहले वाली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो अगर आपको कोई भी आइडेंटिटी के बारे में प्रॉब्लम हो तो पहले वाली वीडियो आप देख लें, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, है ना। और मुझे किसकी वैल्यू किसका निकालना है, अभी साइन थीटा का निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा किस में, माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन मुझे साइन स्क्वायर का नहीं निकालना, मुझे निकालना है किसका, साइन थीटा का। तो स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे और स्क्वायर हट के किस में आ जाएगा, यहाँ पर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा यहाँ पे रूट में, ठीक है। मुझे आंसर किस फॉर्म में निकालना है, सेक थीटा के फॉर्म में निकालना है। तो 1 माइनस कॉस जो होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक के इक्वल होता है, ये भी मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। चाहे तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर जो है साइन थीटा इज इक्वल टू सेक के फॉर्म में आ चुका है, और चाहे आप इसको एक स्टेप आगे और कर सकते हैं, ठीक है। अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, नीचे 1 लगा देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, जब ये अंडर रूट हटाना होता है हमें तो हमें यहाँ पे होल स्क्वायर चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे तो होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ है इसलिए इसके ऊपर से तो रूट हटेगा नहीं, सेक स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर है इसीलिए इसका ये स्क्वायर और अंडर रूट इसका हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, इस पे से नहीं हटेगा और ये जो सेक थीटा है यहाँ से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर का जो स्क्वायर है और इसका जो अंडर रूट है वो दोनों क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं था इसीलिए इसके ऊपर से अंडर रूट नहीं हटा है। तो ये तो हो गया साइन थीटा, साइन थीटा को हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, सेक थीटा में इसका आंसर निकला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे किसका, कॉस। तो कॉस का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, पता है हमें कॉस, तो कॉस थीटा जो होता है वो पहले ही किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है, तो पहले से ही सेक थीटा के फॉर्म में है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट भी होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हालांकि इसकी जो और दो आइडेंटिटीज है वहां से भी हम इसका निकाल सकते हैं सेक के फॉर्म में, और चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू ये आई थी और कॉस थीटा की वैल्यू आई थी ये, साइन थीटा की वैल्यू ये रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, ये रख दिया यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा, है ना। इसको डिवाइड से कहाँ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा इंटू,
वन अपॉन सेक थीटा जो है वो डिवाइड से कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा डिवाइडेड बाय वन, और वन लगाने का कोई मतलब नहीं डिवाइड में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो टेन थीटा जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, सेक थीटा के फॉर्म में आंसर इसका आ गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसमें, सेक का तो ऑलरेडी सेक ही है, सेक को चेंज करना है तो सेक का हम निकालना नहीं है, अब निकालना है कॉट का, कॉट का निकालना है, ठीक है। तो कॉट जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉट जो होता है वन अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वन अपॉन टेन थीटा के इक्वल होता है, और टेन के जो वैल्यू आई है ये, तो यहाँ हम टेन की वैल्यू रख देंगे, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो और आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा में हमारा आंसर आ चुका है, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब लास्ट क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, वन अपॉन साइन थीटा होता है ना, कोसेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वन अपॉन साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, जो इसका आंसर आया था वो रख देंगे, ठीक है। तो ये देखो आंसर क्या आया है इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और डिवाइडेड बाय सेक थीटा, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व करेंगे, अच्छे से और लिखेंगे, तो ये डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वन के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये सारे रेशियोज, जितने भी रेशियोज हैं, उन सबको हमने किसके फॉर्म में चेंज किया है, सेक थीटा के फॉर्म में चेंज किया है। सबसे पहले किसको चेंज किया, साइन को, तो देखो साइन थीटा जो है वो फाइनली किसके फॉर्म में आ गया, यहाँ पर सेक थीटा के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जो है वो कॉस थीटा, ये तो ऑलरेडी वन अपॉन सेक होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो दोनों की वैल्यूज हमने रख दी, तो टेन थीटा भी इस फॉर्म में आ गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। कॉट थीटा जो होता है वो वन अपॉन टेन होता है, फिर हमने टेन की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से कॉट थीटा भी आ गया है वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का अंडर रूट, ठीक है। फिर लास्ट था कोसेक थीटा, जो कि वन अपॉन साइन थीटा होता है, फिर हमने साइन थीटा की वैल्यू रख दी इसमें, तो ये भी आ गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।